हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ पोहे। तो इसके लिए मैंने प्याज, आलू, बादाम, हरी मिर्च, इन सबको तेल में हल्का राई डालकर फ्राई कर लिया। और यहाँ मैंने पोहे को भिंगो के इसे अच्छे से पानी सुखा दिया, इसका बिल्कुल ड्राई कर दिया। अब ये सब कुछ फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब इसमें पोहे डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे और हल्की चीनी डाल देंगे। चुटकी भर हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हेल्दी नाश्ता है, आप कभी भी इसे ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हो और टेस्टी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो पोहे बहुत पसंद है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन्हें हम सर्व करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले बादाम को भूनेंगे राई के साथ। बादाम अच्छे से भून जाए फिर प्याज, आलू डालकर भूनेंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च, और इन सबको अच्छे से फ्राई करके पोहे डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पोहे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब इन्हें थोड़ा सजाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सेव डालेंगे, हल्दीराम भुजिया भी डाल सकते हो। और कच्चा प्याज काटकर छोटे छोटे टुकड़े इसके ऊपर सजा देंगे। और नींबू दो चार बूंद डालेंगे खट्टेपन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो इसे कभी भी आप खा सकते हो, सुबह में, शाम में, कभी भी। तो ये नींबू थोड़ा डालना है वरना ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, बस दो चार बूंद डाल देने। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कैसा लगा बताना। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताना। हमें तो बहुत पसंद है पोहे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।